हेलो दोस्तों, आज हम आपको नासिर हुसैन सर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर के करियर के बारे में बताएंगे। नासिर हुसैन ने 1953 में आई मूवी अनारकली से अपने राइटर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर नंदलाल जसवंतलाल थे। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रदीप, रीना रॉय, कुलदीप कौर शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 से 30 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 35 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1954 में डायरेक्टर विमल रॉय की मूवी आई ब्रज बहू। इस मूवी के डायलॉग राइटर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में कमनी कौशल, अभय, प्राण और मनोरमा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1955 में डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी की मूवी आई मुनिम जी। इस मूवी के राइटर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में देवानंद, प्राण, निरूपा रॉय और अमृता शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 10 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1957 में डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी की मूवी आई पेइंग गेस्ट। इस मूवी के राइटर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में देव आनंद, नूतन, गजानंद और सज्जन शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 56 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल नासिर हुसैन की डेब्यू मूवी आई तुमसा नहीं देखा। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, अमिता, प्राण, अंजलि शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1959 में नासिर हुसैन की मूवी आई दिल दे के देखो। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, आशा पारेख, राजेंद्र नाथ और राज मेहरा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1961 में नासिर हुसैन की मूवी आई जब प्यार किसी से होता है। इस मूवी के लीड कास्ट में देव आनंद, आशा पारेख, प्राण और राजेंद्र नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 42 लाख रहा। भारत में कमाई 90 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 70 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1963 में नासिर हुसैन की मूवी आई फिर वही दिल लाया हूँ। इस मूवी के लीड कास्ट में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, प्राण और बीना शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 से 35 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 85 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1967 में नासिर हुसैन की मूवी आई बहारों के सपने। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम नाथ और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1969 में नासिर हुसैन की मूवी आई प्यार का मौसम। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, आशा पारेख, निरूपा रॉय और भरत भूषण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1971 में नासिर हुसैन की मूवी आई कारवा। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, अरुणा ईरानी, आशा पारेख, महमूद जूनियर शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 75 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1973 में नासिर हुसैन की मूवी आई यादव की बारात। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा और तारिक खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल नासिर हुसैन की एक और मूवी आई आंगन। इस मूवी के लीड कास्ट में देव मुखर्जी, फरीदा जलाल और नाजिर हुसैन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1977 में नासिर हुसैन की मूवी आई हम किसी से कम नहीं। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, जीनत अमान, तारिक खान, काजल किरण और अमजद खान शामिल थे।
इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1981 में नासिर हुसैन की मूवी आई जमाने को दिखाना है। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी, अमजद खान और कादर खान शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमीट रही। 1984 में नासिर हुसैन की मूवी आई मंजिल मंजिल। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, डिंपल कपाड़िया शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1985 में नासिर हुसैन की मूवी आई जबरदस्त। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, जया प्रदा, संजीव कुमार और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1988 में डायरेक्टर मंसूर खान की मूवी आई कयामत से कयामत तक। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, जूही चावला और आलोक नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,60,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1992 में मंसूर खान की मूवी आई जो जीता भाई सिकंदर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, आयशा झुलका, दीपक तिजोरी और मानिक सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1995 में मंसूर खान की मूवी आई अकेले हम अकेले तुम। इस मूवी के डायलॉग राइटर थे नासिर हुसैन। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, मनीषा कोइराला और आदिल शामिल थे। इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,06,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,37,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की नासिर हुसैन सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आज हमने आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन सर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको नासिर हुसैन सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।